का बैग हो गया रेडी। सुबह का टाइम है, फॉगी वेदर है, सो लॉक खोलता हूँ गेट का पहले अपने। गुड मॉर्निंग ऑल एंड वेलकम टू माई फ्रेश न्यू ब्लॉग। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। दोस्तों अभी जिम गया था, जिम से निकल गया हूँ, वर्कआउट आज मैंने किया मिक्स वर्कआउट एंड अभी जा रहा हूँ घर, तो बाइक उठाता हूँ घर पहुँचता हूँ। सो गुड इवनिंग दोस्तों, अभी मैं सीधे शाम को आपसे मिल रहा हूँ, शाम को अपने घर में हूँ एंड अभी मैं नहाया। एक्चुअली आज दिन भर थोड़ा चला गया था किसी काम से, तो बिजी हो गया था तो नहा भी नहीं पाया। अभी जिम से आने के बाद कहीं गया, उसके बाद आया, फिर उसके बाद नहा रहा हूँ। सो अभी निकल रहा हूँ बाहर। एक्चुअली मेरे को कुछ कुछ सामान लेना था, जैसे ब्रेड वगैरह हो गया। सो चलते हैं मार्केट साइड में, आपको भी लेके चल रहा हूँ साथ में और दिखाता हूँ क्या क्या सामान मैं लेता हूँ। सो रेडी हो गया हूँ, शूज़ वगैरह पहनता हूँ, ठंड बहुत तेज़ है इसलिए वाला जैकेट पहना हूँ। चलते हैं बाहर, फिर आपसे मिलते हैं मार्केट में। सो दोस्तों मैं निकल चुका हूँ और अभी बैठ रहा हूँ अपनी बाइक पे एंड वेदर जो है काफ़ी ज़्यादा फॉगी है और आई थिंक शूज़ भी कीचड़ कीचड़ हो गया अभी जस्ट। सो आप देख सकते हैं, ऐसे आपको पता नहीं चल रहा होगा। तो निकलता हूँ और जाता हूँ मार्केट। ब्राउन ब्रेड खत्म हो गया क्या भैया? मैं आया था ब्राउन ब्रेड लेने के लिए रिलायंस स्टोर मेरे घर के पास एंड यहाँ पे ब्रेड हो चुका है ख़त्म। सो दोस्तों ब्राउन ब्रेड तो मिल नहीं पाया और आज का फॉग आप देख सकते हैं, आपको शायद वीडियो में ऐसे पता नहीं चल रहा होगा बट बहुत ही ज़्यादा फॉगी वेदर है। क्या कर सकते हैं, और किसी शॉप में देखते हैं, क्योंकि जिम जाता हूँ तो सवेरे खाने के लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है ओट्स या ब्राउन ब्रेड, तो अभी ब्राउन ब्रेड ही अच्छा लगता है क्योंकि। सो दोस्तों ये दोनों सामान ले आया, पनीर लिया अपने लिए एंड ये ब्राउन ब्रेड भी मिल गया था। सो अभी थोड़ा सा जाता हूँ, ठंड से आया हूँ तो कुछ अपने लिए कॉफ़ी वगैरह बनाता हूँ, फिर ये रात में खाऊंगा तो इसको फिर प्रिपेयर करते हैं। दोस्तों अभी ठंड बहुत तेज़ लग रही थी तो बाहर से भी आया था, सोचा क्यों ना कॉफ़ी पिया जाए, तो ये बना रहा हूँ अपने लिए कॉफ़ी नेस्कैफे का एंड इसको बना के थोड़ा सा पीता हूँ तो थोड़ा नॉर्मल लगेगा। तो ये वाली कॉफ़ी है, यही यूज़ करता हूँ मैं नेस्कैफे जो होता है, और बहुत ही बढ़िया लगता है मेरे को पीने में, टेस्ट भी अच्छा है और सबसे ईजी रहता है, कहीं कैरी करके भी ले जा सकता हूँ, तो कभी कभार जिम में भी लेके जाता हूँ इसको। सो अभी तो पी रहा हूँ, एक कप अपने लिए बनाता हूँ, एक कप मम्मी के लिए बनाता हूँ, पीते हैं हम लोग। तो मैं सोचा कि क्यों ना एग रखे थे दो, तो एग का ऑमलेट भी बना लेता हूँ, तो ये एग निकाल लिया हूँ। प्याज डालूंगा इसमें, नमक, थोड़ी सी लाल मिर्ची और मिक्स करके इसको डालूंगा तवे पे। तो तवा वगैरह भी चढ़ा लेता हूँ और ये कॉफ़ी का पानी चढ़ाइए, तो इसको जल्दी से पहले रेडी करता हूँ बनाने के लिए, फिर आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। दोस्तों ये एग का प्रिपरेशन हो चुका है, तवा भी चढ़ गया है एंड ये मम्मी के लिए ब्लैक कॉफ़ी और मेरे लिए दूध वाली कॉफ़ी मैंने रेडी कर लिया है टेट्रा पैक का। इसमें थोड़ा सा मिल्क डाल लिया था, मिला कर देखता हूँ पता नहीं कैसा है कैसा नहीं, क्योंकि हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी दूध मिल नहीं पाया था, थोड़ा सा लग रहा था पता नहीं कैसा। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है दोस्तों, क्योंकि मम्मी को दे के आता हूँ। मम्मी ये लो कॉफ़ी आपकी। बाप रे मैं इतना थोड़ी पीऊंगी, मैं दो घुट। तो ये मेरा एक ऑमलेट हो जा रेडी, मैंने इसको डाल दिया तवे में, थोड़ा सा प्याज डाला है। ये मैं कर रहा हूँ अभी अपना इवनिंग का स्नैक्स, इवनिंग क्या लेट हो गया बट भूख लगी थी तो इसको खा लेता हूँ। एग है और साथ में ब्राउन ब्रेड चार, उसके बाद रात का डिनर प्रिपेयर करूँगा और वो भी आपको फिर दिखाऊँगा, अगर मम्मी हेल्प करेंगी तो ज़्यादा अच्छा। मम्मी थोड़ा सा बनाने में हेल्प कर पाओगी क्या? नहीं तो फिर ठीक है, मुझे ही बनाना पड़ेगा। सो ये दोस्तों पनीर लेके आया था, इसको पहले खाता हूँ फिर उसके बाद पनीर। अभी अपना ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेता हूँ और रात का बज रहा है ऑलमोस्ट 9, तो बना लेता हूँ रात का खाना भी, क्योंकि आज दिन भर बिजी हो गया था तो कुछ काम ज़्यादा नहीं कर पाया और बना भी नहीं पाया कुछ कुछ और खाया भी नहीं था। सो एक समझ लीजिए लंच किस जगह यही खा रहा हूँ अभी, तो इसको खाऊँगा उसके बाद अपना रात का डिनर बनाऊँगा, क्योंकि डाइट भी बहुत ज़रूरी है अगर आप जिम जाते हैं तो, और अगर डाइट प्रॉपर नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं है। सो खाता हूँ फिर मिलता हूँ आपसे। सो दोस्तों अभी मैं किचन में खड़ा हूँ और बनाने जा रहा हूँ पनीर की भुर्जी। तो ये पनीर लेके आया था मैं शॉप से और भैया पीछे हैं कैमरा पकड़े हुए, तो उनको मैं बोला कैमरा थोड़ा होल्ड करना एंड ये प्याज और टमाटर थोड़ा दिखा दो भैया, ये प्याज है टमाटर है, और इसको पहले मैं वॉश कर लेता हूँ। सबसे पहला स्टेप ये रहेगा कि धो लेता हूँ इसको मैं, तो
आप लोग भी जब भी इस टाइप का कुछ चीज़ लाते हैं तो उसको धो के थोड़ा बनाएंगे। सो ये धो लिया हूँ दोनों, और थोड़ा सा इसको कपड़ा मार लेता हूँ, और फिर उसके बाद सबको कट करूँगा, और पनीर को कट नहीं करूँगा, मैश करके ही डालूँगा। सो इसको जल्दी जल्दी मैं कटिंग करता हूँ, काटा जाएगा उसको। और अभी टमाटर काट रहा हूँ, सो करीब 2 टमाटर इसमें लगेगा क्योंकि भुर्जी बना रहा हूँ पनीर की, तो टमाटर भी काट लेता हूँ। टमाटर थोड़ा नरम है, वैसे इसमें थोड़ा टाइट टमाटर रहने से ज़्यादा अच्छा लगता है, बट ठीक है जो है। ये हरी मिर्ची जो काट ले रहा हूँ, चाकू हमारे घर का थोड़ा तेज नहीं है इसलिए ऐसे कट रहा है, नहीं तो बहुत अच्छा। ऐसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब कढ़ाई चढ़ाए रहूँगा और उसमें भूनते रहूँगा ना, उस समय जल्दी जल्दी हो नहीं पाता है। तो ये भुर्जी के स्टाइल के लिए मैं इसको थोड़ा सा क्रश करके बारीक बारीक मैश करके छोड़ देता हूँ। दोस्तों ये मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है, इसमें डाल रहा हूँ थोड़ा सा ऑयल, और दोस्तों ये जीरा जो है सबसे पहले इसमें डाल रहा हूँ तेल में, उसके बाद डालूंगा मैं प्याज। पूरा इसको जलाना नहीं है, थोड़ा सा पिंक कलर बस आए उसके बाद ही मैं ग्रीन चिली इसमें डालूंगा। तो अब ये ग्रीन चिली जो है ये डालने जा रहा है इसमें। ग्रीन चिली जस्ट फॉर फ्लेवर, एक अच्छा फ्लेवर आ जाता है कोई भी चीज़ में डालने से। इसको खुशबू भी अच्छी आ रही है। सो दोस्तों इसमें मैं डाल रहा हूँ नमक, उसके बाद प्रॉपर इसको करेंगे मिक्स, और बस उसके बाद। तो हेलो गाइस, एंड मैं आपके पास फिर से आ चुका हूँ, एंड जैसे कि मैंने आपको अपना शेयर किया था वीडियो खाने वाला, सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मैंने अपने लिए बनाया था पनीर की भुर्जी, एंड ये जो भी मैं बनाता हूँ आपको दिखाता रहता हूँ, एंड जो भी मेरा दिनचर्या में जो भी रहता है वो आपको दिखाता हूँ। और बस इसी तरह की मैं चाहता हूँ कि आप लोग को थोड़ा बहुत टिप्स दूँ एंड ट्रिक्स बताऊँ कैसे कैसे क्या बनता है, कैसा रहता है, एंड जो भी मेरी डेली लाइफ हो वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। सो आई होप मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अभी नया नया मैंने ये चैनल बनाया हुआ है, सो मैंने अपने डेली लाइफ जो भी कंटेंट हो इसमें डालता रहता हूँ। सो मिलता हूँ एक फ्रेश न्यू व्लॉग में, मतलब कि कल। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि न्यू चैनल है, एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। कल मिलते हैं फ्रेश न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।